बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील रहमान, फैसलाबाद गुलज़ार न्यूज़ के चैनल से। आज की फैसलाबाद की अहम खबरें। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी आज शाम 5:30 बजे हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन के करीब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। फैसलाबाद ज़िला इंतजामिया की तरफ से मोहलत ख़त्म होने के बाद गटियावाला चौक सत्याना रोड पर 40.80 करोड़ रुपये की कीमती 2 कनाल 11 मरले सरकारी एराजी कब्जा ग्रुप से खाली कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर हो गया है और हार्डीज खड्डी और सबवे के तरफ से ग्रीन एरिया पर कायम पार्किंग ट्रांसफार्मर पानी की मोटर व दीगर तजावजात भारी मशीनरी लगाकर खत्म करा दिया गया है। डिवीजनल कमिश्नर इशरत अली, RPO रिफत राजा मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मौका का दौरा करके तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की है। DGPHA आसमा एजाज, चीमा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी व सदर सैयद अयूब बुखारी, उमर मकबूल और महकमा माल के अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर प्लाजा में दुकानें हार्डीज सर्विस कंडी की तरह कारोबार जारी था, जहां सरकारी अराजी को पार्किंग बिजली की तनसीब जेर ज़मीन होने के साथ ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ महकमा माल फाटा ने मौका का दौरा करके कारोबार तनसीबात को एक रोज़ में अज़ खुद ख़त्म करने की मोहलत दी है, जिस पर अमल दरामद ना होने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने बताया कि इंसदाद तजावजात मुहिम पर अमल दरामद जारी है और सरकारी एराजी पर काबज़ माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके ग्रीन एरियाज को वक्फ़दार कराने के साथ अपनी ऐसी जगहों पर ग्रीन बेल्ट तैयार करके असल चक्र में बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की रोशनी में कब्जा ग्रुप के खिलाफ एक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और किसी को सरकारी एराजी पर कब्जा नहीं होने देंगे। फैसलाबाद FDA की तरफ से नाहिंदगान निजी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ एक्शन के दौरान गुज़श्ता 6 माह में 27 करोड़ की रिकवरी की गई है, जबकि 66 गैर कानूनी मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफ्तर को सील और इनकी गैर कानूनी तमीराती ढांचों को मस्मार किया गया है। अलावा ऐसी मंजूरी हासिल किए बगैर हाउसिंग स्कीमों के क्याम पर कानून छिपने डेवलपर्स के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 302 FIR दर्ज करवाई गई हैं। ये बात डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद शरीफ ख्वाजा ने एक मीटिंग के दौरान प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के से मुतलक महकमाना मोर का जायजा लेते हुए बताई है। इस मौके पर डायरेक्टर रहील जफर दिबा दीगर अफसरान मौजूद थे। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद ने माह सितंबर 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 449 मुलजमान और 82 इश्तिहारी, 10 अदालती मफरूर, 6 क्लाशन को, 7 राइफल्स, 17 पिस्टल्स और 2 गन, 2 रेपर्ट्स, 1 पंप एक्शन, 1 रिवाल्वर और मंशात चोरी शुदा मशकूक मोटरसाइकिलें बंद कर दी गई हैं। फैसलाबाद इंसदाद तजावजात मुहिम फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने चक 215 रेपे जड़ा वाला रोड पर 260 मरले कमर्शियल अराजी सरकारी कब्जा ग्रुप से वागुजार करा ली गई है। फैसलाबाद 15 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की कमर्शियल अराजी पर माफिया ने मार्बल फैक्ट्री बना रखी थी। फैसलाबाद कब्जा ग्रुप को सबक MPR अबनवाद और इसके बेटे गुलनवाद और नंबरदार शौकत की पुश्तनाई हासिल थी। फैसलाबाद नंबरदार की नंबरदारी ख़त्म करने के लिए तहरीर कर दिया गया है। मौके पर भारी मशीनरी मंगवाकर गैर कानूनी फैक्ट्री मस्मार करने का अमल शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी आज शाम 4 बजे नाड़वाला रोड कबूतरा वाला चौक गला महमदाबाद सड़क के दोनों तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया में ग्रीन बेल्ट का कब्जा ग्रुप से वागुजार कराने के ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर और अपने प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।